सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं HAC यूजिंग सिंगल लिंक टेक्निक। सो बेसिकली बहुत ही इजी टॉपिक है और एग्ज़ाम में आने के चांसेस बहुत है। ये बहुत सारे सब्जेक्ट्स में हैं, लाइक इसके बहुत टाइप्स हैं, HAC के बहुत टाइप्स हैं, जैसे कि सिंगल लिंकेज, कंप्लीट लिंकेज, एवरेज लिंकेज, ठीक है। और ये मशीन लर्निंग का भी पार्ट है, मल्टीवेरिएट का भी पार्ट है। तो बेसिकली दिस इज़ इम्पॉर्टेंट टॉपिक, सो ध्यान से करिए और बहुत ही इजी है, कुछ यहाँ पे ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ें नहीं है। देखो, तो सबसे पहले हमें स्टार्ट करना है। देखो, हमें ये डेटा पॉइंट दिया रहेगा और यहाँ पे लिखा रहेगा अप्लाई HAC यूजिंग सिंगल लिंकेज टेक्निक और कंप्लीट लिंकेज और एवरेज लिंकेज, ठीक है। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले हमें डेटा पॉइंट दिया है। ए का डेटा पॉइंट दिया है 2, 4, बी दिया है, सी दिया है, डी दिया और ई दिया है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इनका हमें क्या बनाना है, एक मैट्रिक्स बनाना है, डिस्टेंस मैट्रिक्स बनाना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ए लिख दूँ, यहाँ पे मैंने ए लिख दिया, ये बी लिख दिया, सी डी एंड ई। सेम आप यहाँ पे लिख दो ए बी सी डी एंड ई। तो यहाँ पे देखो, जब भी आप सबसे पहले ये बनाओगे आप डिस्टेंस मैट्रिक्स, तो इसका डायगनल एलिमेंट हमेशा ज़ीरो ही रहेगा। मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि देखो, ए के पॉइंट्स क्या है, 2, 4, बी के पॉइंट्स क्या है, एक के यहाँ पे भी एक ही पॉइंट्स 2, 4 है। जब आप ये दोनों का डिस्टेंस निकालोगे तो जीरो ही आएगा। कैसे, डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, डी इज इक्वल टू वॉट, SQRT x2 - x1 दी होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 दी होल स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे देखो, ये हमारा x1 y1, ये हमारा क्या हो जाएगा x2 y2, ये हमारे पॉइंट्स x2 y2 हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो, x2 - x1 विच मीन्स 2 - 2, 2 - 2 दी होल स्क्वायर प्लस 4 - 4 दी होल स्क्वायर। सो बेसिकली इट टर्न्स टू बी जीरो ना, अंडर रूट जीरो, डेट इज इक्वल टू जीरो। इसीलिए डायरेक्ट जो भी डिस्टेंस पॉइंट है, सेम डिस्टेंस एक दूसरे के साथ, हम जब सेम पॉइंट्स का हम जब डिस्टेंस निकालेंगे वो हमेशा जीरो ही आएगा। इसीलिए डायगोनल एलिमेंट हमेशा जीरो ही रहेगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको ऊपर वाले नहीं निकालने, अब आपको मतलब डायगनल के ऊपर निकालो या डायगनल के नीचे वाला निकालो, एक ही चीज़ हो गई। क्योंकि यहाँ पे देखो, अगर आप यहाँ निकालोगे तो आप किसका डिस्टेंस निकालोगे, ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। यहाँ पे भी आप निकालोगे तो आप वही निकाल रहे हो, ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, ठीक है। सो बेसिकली आपको डायगनल्स के नीचे ही सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। अब देखो, अब हमको डिस्टेंस निकालना है ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। दे मैं बताता आपको ये फील कैसे करना है, ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। अब देखो, ए के पॉइंट्स क्या है हमारे 2, 4, बी के पॉइंट्स क्या है हमारे 8, 2, ठीक है। अब देखो, दिस इज x1 एंड दिस इज y1, दिस इज x1, ये पॉइंट x1 है हमारा, 2 इज x1 एंड 4 इज y1, ये क्या हो जाएगा हमारा x2 एंड y2। फॉर्मूले में डालो x2 - x1 विच मीन्स 8 - 2 दी होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 2 - 4 दी होल स्क्वायर क्या हो जाएगा। देखो, 8 - 2 दी होल स्क्वायर इज वॉट, 8 - 2 इज 6, 6 का स्क्वायर प्लस 2 - 4 दी होल स्क्वायर -2 दी स्क्वायर। इसका मतलब क्या, 6 का स्क्वायर इज 36, -2 का स्क्वायर इज प्लस 4, √40। वॉट इज √40, लेट्स सर्च SQRT 40, 6.324 क्या आया, 6.324, रुक जाओ एक मिनट लिखते हैं हम, 6.324, ठीक है, अच्छे से लिख दो, सॉरी 6.324। अब समझा आपको ये पॉइंट कैसे है। अब हम निकालेंगे ए विद रिस्पेक्ट टू सी, ए का तो 2, 4 ही है, सी हमारे पास क्या है 9, 3, सी हमारे पास क्या है 9, 3, इसको अब हटा देते हम, सी इज 9, 3, ये x1 y1 वही रहेगा, ये क्या हो जाएगा x2 y2 हो जाएगा। सो सेम आपको ये फॉर्मूले में डालना है तो आपको क्या वैल्यू आएगी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप क्रॉस चेक कर लेना, पूरा वैल्यूज निकालूंगा तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा और आपको खुद से भी ट्राई करना चाहिए। मैं सारी वैल्यूज लिख लेता हूँ, आप इसको क्रॉस चेक कर लेना, ठीक है, 7.1589, ठीक है। यहाँ पर आएगा हमारा 1.4142, यहाँ पे आएगा 7.6157, ठीक है, यहाँ पे आएगा 1.11,
8034, ठीक है। यहाँ पे आएगा अब हमारा 8.2462, यहाँ आएगा 2.06155, और यहाँ पे आएगा 8.5। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, सिंगल लिंकेज में पहला स्टेप्स है डिजिटल मैट्रिक्स बनाने के बाद, सबसे आपको सबसे मिनिमम वैल्यू देखनी है, दैट इज छोटी वाली वैल्यू। सबसे छोटी वाली आपको वैल्यू क्या दिख रही है यहाँ पे बताओ, सबसे छोटी वैल्यू आपको दिख रही है क्या बताओ, कौन सी दिख रही है, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, बड़ा हो गया। देखो सबसे छोटी वैल्यू क्या है, यही है ना, 1.11804। अब यहाँ पे देखो कहाँ पे बी विथ रिस्पेक्ट टू 3, तब हम क्या करेंगे ये दोनों को पैर करेंगे। तो मैं लिखूंगा पैर बी कॉमा ई, पैर बी कॉमा ई, रुक जाओ इसको, पैर बी कॉमा ई एट डिस्टेंस व्हाट, एट डिस्टेंस देखो डिस्टेंस क्या है उसका, एट डिस्टेंस 1.1180 है ना। अब देखो अब यहाँ पे हम नया डिस्टेंस मैट्रिक्स बनेगा हमारा, सॉरी नया मैट्रिक्स बनेगा, कैसे, ए आया यहाँ पे, अब देखो बी ई पैर हो गया है तो अब वो एक साथ आएंगे, अब बचा हमारा क्या सी और डी, समझा, सेम ए बी कॉमा ई सी एंड डी, फिर से डायगनल एलिमेंट 0। अब देखो ऊपर वाली टेबल वैल्यू से जो वैल्यू मिल रही ले लो, देखो ऊपर से ये नहीं है हमारे पास, ए विथ रिस्पेक्ट टू सी है ना हमारे पास ऊपर, यहाँ पे देखो ए विथ रिस्पेक्ट टू सी क्या है हमारा 7.0, तो वो यहाँ वही यहाँ पे लिख दो। ए विथ रिस्पेक्ट टू डी भी है, दैट इज 1.412, 1.4142, और फिर क्या है हमारे पास, बस इतने ही वैल्यूज है ना। अब देखो ये कैसे निकालना है, अब देखो सिंगल लिंकेज में आपको हमेशा मिनिमम वैल्यू देखनी है, कैसे, अब यहाँ पे देखो डिस्टेंस बिटवीन कौन कौन से पॉइंट है, ए विथ रिस्पेक्ट टू बी कॉमा ई, कैसे निकलेगा, मिनिमम डिस्टेंस किसका, मिनिमम डिस्टेंस पहले ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, ए कॉमा बी एंड ए कॉमा ई एंड ए कॉमा ई। अब देखो यहाँ पे मिनिमम लिखा मैं, ऊपर वाले टेबल में देखो ए बी का डिस्टेंस कितना है, ए बी का डिस्टेंस कितना है 6.32, 6.324, ठीक है, और ए ई का डिस्टेंस देखो कितना है, ए ई का डिस्टेंस कितना है 7.15। सो देखो बताओ आप ही बताओ मिनिमम डिस्टेंस क्या है हमारा, दोनों में मिनिमम पॉइंट्स क्या है, 6.324, 6.324, समझा आपको, तो यहाँ पे क्या आएगा 6.324, समझा। एक और एग्जांपल देख लेते, चलो इसका भी निकाल लेते। अब देखो हमें डिस्टेंस बिटवीन किसका निकालना है, डिस्टेंस बिटवीन किसका, यहाँ पे देखो सी विथ रिस्पेक्ट टू बी ई विथ रिस्पेक्ट टू बी कॉमा ई, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा सिंगल लिंकेज के लिए, मिनिमम मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन किसका, सी सी को एक बार बी से बी के साथ पेयर करो और सी को एक बार ई के साथ पेयर कर दो। अब देखो मिनिमम डिस्टेंस ऊपर वाले टेबल में देखो सी सी का डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू बी कितना है, सी विद रिस्पेक्ट टू बी, सी विद रिस्पेक्ट टू बी इज 1 पॉइंट, यहाँ पे देखो सी विद रिस्पेक्ट टू बी कितना है 1.412, 1.4142, 1.4142 कॉमा, सी ई का देखो अभी सी विद रिस्पेक्ट टू ई इज 2.06, 2.06, सो बेसिकली दोनों में से मिनिमम क्या है 1.4142, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1.4142। तो सिमिलरली बाकी सब भी वैल्यू आप निकाल लो, अभी यहाँ पे क्या आ जाएगा 7.6157 और यहाँ पे आ जाएगा 8.2462, ठीक है, ये समझा आपको। अब देखो अब वापिस देखो मिनिमम मिनिमम पॉइंट मिनिमम वैल्यू क्या है पूरी ये मैट्रिक्स में, सबसे मिनिमम पॉइंट क्या है 1.412, 1.412 यहाँ पे भी है, 1.412 यहाँ पे भी है। सो यहाँ पे देखो आप ना किसी को भी पेयर कर सकते हो दोनों में से, या तो ये स्टेप में आप बी ई को सी के साथ पेयर कर दो या तो ए को विथ रिस्पेक्ट टू डी पेयर कर दो। हम क्या करेंगे बी ई को सी के साथ पेयर कर देते हैं, तो क्या लिखोगे यहाँ पे, पेयर बी कॉमा ई विथ रिस्पेक्ट टू सी एट डिस्टेंस व्हाट, एट डिस्टेंस 1.414, ठीक है। अब नया मैट्रिक्स बनाओ,
तो क्या हो जाएगा, ए यहाँ पे आएगा अकेले। अब देखो, अब यहाँ पे आएगा बी कॉमा ई विथ रिस्पेक्ट टू सी, और अकेला बचेगा डी। आई होप सो आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, ए यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, बी ई एंड सी, और यहाँ पे आ जाएगा डी। डायगनल वैल्यू 0। अब देखो ए विद रिस्पेक्ट टू डी ऊपर से मिल जाएगा, ए और डी का डिस्टेंस ऊपर से ही मिल जाएगा, दैट इज़ 1.4142, है ना। अब देखो कैसे निकालना है। अब यहाँ पे देखो, ए विद रिस्पेक्ट टू बी ई, ए विद रिस्पेक्ट टू बी ई, हमारे पास ए है ना, हमारे पास ऊपर ऊपर वाले टेबल में ए विद रिस्पेक्ट टू बी ई है हमारे पास, ठीक है। अब ए विद रिस्पेक्ट टू सी बी, ए विद रिस्पेक्ट टू सी बी है हमारे पास। अब देखो हमें क्या करना था, दोनों का मिनिमम डिस्टेंस लेना है। तो दोनों का मिनिमम डिस्टेंस क्या है, 6.34, तो यहाँ पे आ जाएगा 6.324, समझा, डायरेक्ट डायरेक्ट मिल गया। अब देखो ध्यान से, अब हमें क्या करना है, डी को यहाँ पे देखो, डी को पेयर करना है बी ई और सी के साथ, ये दोनों की वैल्यू देखनी है पेयरिंग के साथ, और मिनिमम वैल्यू चूज करना है। अब देखो डी विद रिस्पेक्ट टू बी ई, अब ये बी ई को हम सिंगल पॉइंट ट्रीट करेंगे, ठीक है, सिंगल पॉइंट ही आप ट्रीट करोगे, क्योंकि ऊपर देखो ना ये सिंगल पॉइंट हो गया ना ये हमारा, इसीलिए। अब देखो डी विद रिस्पेक्ट टू बी ई क्या है, डी विद रिस्पेक्ट टू बी ई क्या है, 7.6157, ठीक है, और डी विद रिस्पेक्ट टू सी, डी विद रिस्पेक्ट टू सी क्या है हमारा, 8.24। अब देखो दोनों का मिनिमम क्या है, 7.61, 7.6157, इतना समझा आपको, ठीक है, आई होप सो आपको समझा ही होगा। अब देखो सबसे कम डिस्टेंस किसका है, यही है ए डी, ठीक है, ए डी का सबसे कम डिस्टेंस। हम क्या करेंगे, पैर ए विद रिस्पेक्ट टू डी एट डिस्टेंस 1.4142, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखो ए विद रिस्पेक्ट टू डी हो गया, और बचा हुआ क्या था हमारे पास, बी ई विद रिस्पेक्ट टू सी, ठीक है। यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, ए डी विद रिस्पेक्ट टू बी ई कॉमा सी, डायगनल एलिमेंट 0, सिंपल। अब देखो हमारे पास ए विद रिस्पेक्ट टू बी ई है ऊपर, देखो ए विद रिस्पेक्ट टू बी ई सी, अब ये हमारा सिंगल पॉइंट ट्रीट किया जाएगा, क्यों, क्योंकि ऊपर वाले टेबल में देखो ये सिंगल पॉइंट ही है ना हमारे पास। तो देखो ए विद रिस्पेक्ट टू बी ई सी है हमारे पास, ठीक है, और डी विद रिस्पेक्ट टू बी ई सी भी है, देखो डी विद रिस्पेक्ट टू बी ई सी भी है। तो देखो ए विद रिस्पेक्ट टू बी कॉमा ई कॉमा सी क्या है, 6.34, और डी विद रिस्पेक्ट टू बी ई कॉमा सी क्या है, 7.61, दोनों में मिनिमम डिस्टेंस क्या है, 6.34, 6.324, समझा आपको यहाँ पे वैल्यू कैसे, बस यहाँ पे हो गया। अब हम क्या करेंगे, पैर लास्ट पॉइंट क्या है हमारा, पैर ए कॉमा बी ए कॉमा डी एंड बी ई कॉमा सी एट डिस्टेंस, व्हाट एट डिस्टेंस, देखो एक ही मिनिमम पॉइंट बचा हमारे पास ये टेबल में, एट डिस्टेंस 6.324, समझा। तो ये कैसा हो जाएगा, देखो ए डी कॉमा, आप डायरेक्ट एक साथ भी लिख सकते हो, कैसे, डायरेक्ट लिख दो ए डी बी ई सी, यहाँ पे एक टेबल बनाना है हमें ऐसा सेम, ये क्या हो जाएगा, ए डी बी ई सी, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 0, समझा आपको कैसे आया ये, चलो। अब हमें बनाना है डेंडोग्राम भी, अब हमें क्या बनाना है, डेंडोग्राम। देखो यहाँ पे आप मिनिमम डिस्टेंस 0 कैसे आएगा, क्योंकि देखो ना ये दोनों डिस्टेंस सेम हो जाएंगे दोनों की वैल्यू, इसलिए यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है। अब हमें बनाना है डेंडोग्राम, डेंडोग्राम बनाना भी इजी है। सबसे पहले डेटा पॉइंट्स हम ड्रॉ कर लेते हैं, देखो ये आ गया हमारा ग्राफ एक्स एक्सिस, ये हमारा आ गया वाई एक्सिस, ठीक है। हम पॉइंट्स बना लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, ठीक है। यहाँ भी बना लो 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। देखो सबसे पहले आपने क्या पेयर किया था, सबसे पहले आपने क्या पेयर किया था, इसका साइज थोड़ा छोटा कर देता हूँ। देखो सबसे पहले हमने पेयर किया था बी ई एट डिस्टेंस 1.180, सबसे पहले हमने पेयर क्या किया था, बी ई, सॉरी यहाँ पे नंबर्स नहीं आएंगे, यहाँ पे हमारे डेटा पॉइंट्स आएंगे, सॉरी
यहाँ पे हमारे डेटा पॉइंट्स आएंगे, दैट इज ए डी सी बी ई। सबसे पहले हमने पैर किया था बी ई एट व्हाट 1.8, तो 1.8 समथिंग यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे देखो ये ऐसा स्ट्रेट लाइन नहीं आ रही है, एक मिनट, ये ऐसा ठीक है, और ये ऐसा, और ये स्ट्रेट हो जा, ये ऐसा ठीक है। बी ई को पैर कर दिया 1.8 किया। अब देखो, अब देखो उसके बाद हमने क्या पैर किया था, हमने पैर किया था बी ई सी एट डिस्टेंस 1.4, मतलब बी ई को सी के साथ हमने पैर किया था एट डिस्टेंस व्हाट, एट डिस्टेंस 1.41, समझा 1.41, सॉरी सॉरी यहाँ पे देखो ये हमने थोड़ा सा गलत कर दिया। कैसे, अब स्टार्ट से देखते हैं हमने क्या गलती की। यहाँ पे देखो सबसे पहले हमने पैर क्या किया था, पैर बी ई को पैर किया था हमने एट डिस्टेंस व्हाट 1.18, 1.11, 1.11। तो हम क्या करेंगे, वन वन यहाँ पे, तो 1.1 यहाँ पे आएगा समथिंग यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे बी ई को वहाँ पैर कर देंगे। कैसे करोगे आप, यहाँ पे देखो ये स्ट्रेट लाइन बनाया ठीक है, ये यहाँ पे बी ई को पैर कर दिया हमने। इसके बाद देखो क्या है हमारा, इसके बाद है बी ई को सी के साथ पैर करना है। पैर किया हमने 1.4 एट डिस्टेंस 1.4, 1.1 यहाँ पे, 1.4 यहाँ पे आएगा समथिंग इसके ऊपर ठीक है। अब देखो यहाँ पे आ गया सी को, किसके साथ पैर किया था ये, बी ई को, बी ई के साथ हुआ था ना पैर, तो वही कर रहा हूँ देखो, समझा अभी। अब देखो इसके पास, इसके बाद क्या पैरिंग किया हमने, इसके बाद हमने पैर किया है ए डी को एट डिस्टेंस 1.4142, ए डी को एट डिस्टेंस 1.41। देखो ए डी 1.4 यहाँ पे ऑलरेडी बनाया हमने, तो ए जो यहाँ पे ए और डी 1.4 पे इसको पैर कर दिया। अब देखो लास्ट में हमने क्या पैर किया, इसके बाद हमने क्या पैरिंग की, इसके बाद हमने पैरिंग की, ये हो तो हो गया। अब देखो अब बचा है ए डी एंड बी ई सी को एट डिस्टेंस 6.324, ए डी को, ये देखो ये ए डी है और ये हमारा बी सी ई है, इसको हमने कहाँ पैर करना है, अब 6.3, 6 यहाँ पे है तो 6.3 समथिंग यहाँ पे होगा, तो मैं यहाँ पे ले लिया, तो यहाँ पे देखो इसको ऐसे पैर करना है, तो ये हमारा बन गया डेंडोग्राम। समझा आपको, आई होप सो ये वीडियो में आपको समझा होगा व्हाट इज सिंगल लिंकेज। आने वाली वीडियो से हम कवर करेंगे कंप्लीट लिंकेज और एवरेज लिंकेज ठीक है। सो चलिए, आप मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।